सामान्य हो रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। कश्मीर में अमन और शांति बहाल होने के बाद ये जो सारे कार्य पेंडिंग हैं, सारे कार्य बड़ी धूमधाम से होंगे। जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास और अमन और शांति और एकता और अखंडता के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय थे, एक से एक बढ़कर कदम था, ऐतिहासिक था। और आज इसीलिए उनका जन्मोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर प्रतिमा पर माला अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ऐसा संकल्प लिया जा रहा है। जी यहाँ पर युवा रायपुर सभा के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कविंदर गुप्ता जी उनके खिलाफ नारेबाजी की। देखिए समाज में अपने अपने स्वभाव के लोग रहते हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, किसी कारण गुस्से में होंगे तो उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें सब एक होकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। टोल प्लाजा को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली में पहुंचे थे नितिन गडकरी जी से, वहां पर टोल प्लाजा को उखाड़ने का आर्डर लेने का दावा किया था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि जो सरोर में टोल प्लाजा है जब तक रोड ना बन जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक टोल ना लिया जाए। हमने अपना प्रयास किया है, कमेटी आई थी, कमेटी ने निरीक्षण किया, कमेटी वापस गई है और हम भी दिल्ली गए थे, दोबारा से हमने बात की है, वो कोई ना कोई निर्णय जो है वो जल्दी लेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत तो मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल होने के बाद ये जो सारे कार्य पेंडिंग हैं, सारे कार्य बड़ी धूमधाम से होंगे। लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर में अमन व शांति नहीं है? है, लेकिन अमन और शांति की तरफ और कदम उठाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो पड़ोसी है वो शांति से नहीं बैठा है, अभी वो घटनाएं कर रहा है और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। हालात सामान्य हो रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आप भी सुन रहे हैं, मैंने भी सुना है, हमारे जवान भी शहादत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ कमियां हैं कि पूरी अमन और शांति जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं है, जल्द अमन और शांति बहाल होगी। केंद्र सरकार जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे, हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, निर्णायक नेतृत्व है, सही समय पर सही निर्णय जो है वो लेते हैं। और पाकिस्तान जो के अभी आपने देखा है कि वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है, वो तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों को क्या वो संभालेगा, लेकिन निश्चिंत रहें बहुत जल्द हालात सामान्य होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज महाराजा हरि सिंह जी के? देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और देश भर के लोगों के लिए यही है कि महाराज जिस रास्ते पर चलते थे, समरसता का रास्ता उन्होंने अपनाया था, सब एक समान है, जात पात से ऊपर उठकर वो कार्य करते थे और फिर विकास को लेकर आगे बढ़ते थे, शिक्षा को बढ़ावा देते थे, वही रास्ते पर हम सबको भी चलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की तरक्की और बेहतरी के लिए कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।